हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है, आप भी ठीक हो? तो आज एक गिफ्ट पैक हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत अहम है ना? अहम है। हम गए थे एक खास जगह पर, वहां से ये गिफ्ट लेके आए, और ये बहुत खास, हमारे लिए बहुत खास गिफ्ट है ये, और हम जो है ना ये किसी खास बंदे के लिए लेके आए। नहीं, बच्चे के लिए। हाँ, तो खास बेबी के लिए लेके आए। इसका बेबी, आप आगे आगे चलेंगे, जैसे जैसे वीडियो वॉच करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा ये किसका बेबी है। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। नहीं, वो तो अभी नहीं ना, पता चल जाएगा, थंबनेल बनेगा ना। तो चले, हमारे साथ साथ रहेगा थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए कहाँ पर? मारिया के घर। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और बाकी शकीला लोग आए हुए हैं, और यही बैठ के मैंने गिफ्ट भी पैक कर लिया, पैक किया, अभी जाएंगे मम्मी लोगों के घर पर और गिफ्ट लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा गिफ्ट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। आप लोगों को भी अगर देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो आपको वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, वॉच कर लेंगे, पूरी कर लेंगे, क्योंकि गिफ्ट बहुत ज्यादा खास है मेरे लिए भी, और जिसके लिए लाई हूँ उसके लिए भी। तो ठीक है, फिर हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, फिर आपको दिखाते हैं, और ये किसके लिए आया ये भी आपको दिखाते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। गाइस, मेरा गिफ्ट हो चुका है पैक और तैयार भी हो गया, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, मैंने इसकी पैकिंग कर ली और बड़ा प्यारा लग रहा है। बोतल कौन कौन पिएगा? स्ट्रिंग, और ये यहाँ शहजाद भी आ गया। स्ट्रिंग किसी, और ये पफ तो हटाओ आंखों से। मैं ड्रेस डिसाइड करने गया था लेकिन पसंद नहीं आई। नहीं आई पसंद? क्यों? वो रेडीमेड बना के दे रहा था 45,000 रुपए में। तो नहीं समझ आई, तो फिर अब जो, क्या जो मेरे को लेके दे रहा था बोला था अगर आप डन करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डन कर दो। अच्छा, लेकिन मैक्सी पसंद नहीं आ रही। मैक्सी पसंद नहीं आई, स्मैरक नहीं आया आपको? अपना ड्रेस मुझे भी नहीं पसंद आई, उसको भी नहीं आई। अच्छा, मैक्सी खाली। अच्छा, मैक्सी। तो अभी क्या इरादा? अभी देखेंगे, कल तारिक रोड जाते हैं, वहाँ जाके पता करते हैं, कल जाएंगे हम तारिक रोड। सही। तो यहाँ पर मेरा गिफ्ट हो चुका है तैयार, और चलते हैं अब मम्मी के घर और जाके आपको दिखाते हैं कि गिफ्ट किसके लिए है। ठीक है गाइस, हम मम्मी के घर आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं ऊपर सोनिया भाभी के कमरे में। ठीक है, और आपको हमारे साथ साथ ही रहना और देखते रहना है हम लोगों को कि ये गिफ्ट किसके लिए है, उसके लिए है या उसके किसी बच्चे के लिए है, और इसमें क्या ख़ास है, मतलब बहुत ख़ास है, क्या ख़ास है ये आप लोगों को पूरी वीडियो वॉच करने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और ये मैं खुद ही खोल के जो है नेहा को कह रही हूँ, उसको दूंगी और आप लोगों के सामने दूंगी, और आप लोग उससे करेंगे शेयर। ठीक है, तो चलें चलते हैं सोनिया भाभी के पास। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, तो हो गई है मेरी। ठीक है जी, तो आज जो है ये छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है, और ये इसका जो है ना टेहा का एक पिक ले लो। हाथ से तो सही बैठी, पता लग गया कितने बैठी। ले। तो इसको हम अभी खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए जो है ना बहुत खास है, तो आप लोग भी देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है भाभी, आप खोलो। तो ये नेहा के लिए है स्पेशल जी, ये नेहा के लिए, और हम किसी स्पेशल जगह पे जाके और वहां से लाई, और उसके नहीं छेड़ो ना मुंह को, आप तंग करते रहते हो हर वक्त। ओ बिस्किट, वाओ वाओ, गले 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 बिस्किट में ये है, इसके अंदर बहुत खास सी चीज है, इसके अंदर क्रॉस है। ये देखो, है तो बहुत छोटा सा गिफ्ट लेकिन बहुत अहम और बहुत खास है। थैंक यू। यू वेलकम, कोई बात नहीं। असल में ना नेहा की तबीयत सही नहीं रहती, तो ये मैं लेके आई थी, ये देखो भाभी, नेहा के लिए। मैं गई थी वहाँ पर मंगल चर्च, वहाँ से लेके आई थी, ये देखो इसके ऊपर क्रॉस भी बनी हुई है, चूड़िये, ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट है। तो इसको पहना देते अभी, ये कैंची तो दे दो, खुल नहीं रहा ऐसे। और ये आप लोगों को पसंद आए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ये हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये हमारे मसीहों की निशानी है। हाँ, इसमें हमारी मसीहत का निशान है ना जी, क्रॉस का निशान हमारी मसीहत में है, हम समझ जाते हैं। आपको पता, जैसे नेहा की तबीयत खराब रहती है, ये देख सकते हैं क्रॉस बनी हुई है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, और नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो खुदा करे कि इससे नेहा को शिफा मिले, खुदा करे भाई, आमीन। और ये मैं स्पेशली नेहा के लिए ही बोल के लेके आई थी। देख रहा जोया आगे तो उसने फोरन उतार देने आते ही थे, सुबह नाराज हुई हुई थी, अम्मी लोगों के साथ ही रहती है, रात को भी हमारे पास ये नहीं देखो आती। कितने प्यारे लग रहे हैं। ओए वाओ नेहा, नेहा
नेहा टेहा नहीं नेहा टेहा, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। कैसे लगे भाभी आपको? बहुत अच्छे, थैंक यू, वेलकम। उतारने की कोशिश कर रही है, उतार देगी ये, नहीं दिखने लाओ। थैंक यू सो मच, हमें बहुत आपका गिफ्ट पसंद आया और खुदा आपको भी बरकत दे। होते हैं बड़े भी होते हैं, बहुत खास भी होते हैं, लेकिन सबसे खास यही गिफ्ट था जो इनके लिए था। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। ये लोग मुंह में घुस गया। ओहो, उतार भी लिया, दिखा रही है कि मैंने डाल लिया। उतार लिया, उसने उतार भी लिया। पहन लो, पहन लो, वो तो खेलने लग गई है तो उतार देगी। कोई बात नहीं, आप जो है ना अगर ये प्रोसेस में से निकल जाएगा तो आप संभाल के इसके यहाँ ना कपड़ों पे लगा दीजिएगा, पिन से ना। ठीक है, नहीं वो जो है ना सोनिया भाभी जो है रेडी हो रही है। भाभी आप कहीं जा रहे हो? सुमेरा भाभी और शहजाद भाई तो कहीं गए, आप कहीं जा रहे हो? तो फिर जाएंगे ना वो। अच्छा, आप लोग थोड़ी देर से जाएंगे क्या? नहीं नहीं, बिट्टी यहाँ नहीं बोल रही, बिट्टी वैसे ही एक बात कर रही है ना, अच्छा चैनल के बारे में। और ये देखो इसने तो दोनों उतार लिए भाभी, अब आप संभाल लेना वरना ये इधर उधर पैरों में गिर जाएंगे। वो देखो मुंह में डाल दिए सारे उसने, इनको देखो टाइट, अगर हो सकते हैं तो टाइट कर दो, ये उतार नहीं पाए यहाँ पर ना, छोड़ो बुगा। तो जी भाभी आपको गिफ्ट वाकई में पसंद आया? बहुत अच्छा लगा गिफ्ट आपको। आपको नहीं अच्छा लगा, मुझे तो लगा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मैंने बोला था आप बहुत अच्छा है। असल में ना नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं चाह रही थी इसके वसीला से नेहा को शिफा मिले, और खुदा करे ऐसा हो। एक होता है इंसान के ईमान पर बात टिकी होती है, अगर ईमान है ना तो बहुत कुछ है ना। अब सही है, अब ठीक आ रहे हो? वो आप अंधेरे में चले गए ना, लाइट भी नहीं है इसकी वजह से हो रहा था ज़्यादा। तो अब आप ये संभाल लेना, इसको जब सोएंगे तब पहना था ना, फिर इसको याद नहीं रहेंगे कि मैंने पहना हुआ है कुछ। तो आज का व्लॉग मेरा अगर आप लोगों को पसंद आया हो, ये जो मैंने नेहा के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? और आज देखें मैंने नई ड्रेस पहनी हुई है, मैंने आज ही सिलवाई है, आज नहीं मतलब कुछ दिन पहले सिलवाई थी, पहनी आज है पहली बार जो है ना। तो अभी आ रहे हैं मेरे हस्बैंड और हम जाएंगे घर, और मेरा भाभी लोग जो है ना मम्मी लोग चले गए हैं, तो बाकी हम लोग भी जा रहे हैं घर। मैं भी जाके थोड़ा घर को देखूंगी, सेटिंग करूंगी घर की, काफ़ी दिन हो गए हैं जो है ना अच्छे से सेटिंग नहीं की और अब करूंगी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, अभी बस 5 मिनट में मेरे हस्बैंड आता होगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ एक और बाजी बैठी हुई है आके, ये देखें इनसे मिले। हेलो जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक हैं, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। और बाजी आई हुई थी रात को मिलने के लिए। हाँ, मैं रात को आई थी मिलने के लिए, रात को मैं पता चला था मेरी बेटी की तबीयत थी सही, हम लोग अच्छा के पास गए हुए थे। हाँ, मुझे पता चला था कि आप घर पे नहीं जी, तो 1:30 बजे हम लोग आए फिर खाना वगैरह। चलें तो खुदा आपकी बेटी को शिफाए दे, और आप मेरी वीडियो ज़रूर पूरी वॉच करिएगा, आप देखिएगा कि मैं नेहा के लिए क्या गिफ्ट लेके आई हूँ, बहुत खास सा गिफ्ट लेके आई, छोटा सा लाई पर वो खास लाई। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको किसी अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।